खबर बलिया जनपद से है, जहां रसड़ा में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तत्वाधान में सोमवार को श्री राम मंदिर अयोध्या के निर्माण हेतु स्थानीय श्रीनाथ बाबा मठ के प्रांगण से ढोल नगाड़े व गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस बीच शोभा यात्रा मार्ग पर श्री राम भक्तों ने शोभा यात्रा पर जमकर फूलों की वर्षा की। हजारों भक्तों की भीड़भाड़ के साथ शोभा यात्रा पूरे नगर भ्रमण कर पुनः श्रीनाथ बाबा मठ पर आकर समाप्त हो गयी। शोभा यात्रा के दौरान श्री राम भक्तों द्वारा लगाए जा रहे गगनभेदी जय श्री राम के उद्घोष से समूचा वातावरण गुंजयमान व भक्तिमय हो उठा। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर रसड़ा SHO सौरभ कुमार राय व उत्तरी चौकी इंचार्ज प्रमोद कुमार समेत आसपास के कई थानों की फोर्स शोभा यात्रा मार्ग के चप्पे चप्पे पर तैनात रही। शोभा यात्रा में मुख्य रूप से महंत श्री कौशलेंद्र गिरी महाराज ने कहा कि भगवान श्री राम के मंदिर में हर लोग को अपना सहयोग आस्था के साथ देना चाहिए और वहां पर उपस्थित सभी लोगों को अपने आशीर्वाद वचनों से कृतार्थ किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपा के कार्यकर्ता शामिल रहे। बलिया जनपद से उमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। महंत कौशलेंद्र गिरी श्रीनाथ जी मठ रसड़ा बलिया। कैसा कार्यक्रम आपके द्वारा हो रहा है? आज शोभा यात्रा है, प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में बने, इसलिए स्वयं को जगना है और समाज को जगाना है। जन जागृति के माध्यम से अभी यह कार्यक्रम शोभा यात्रा का है, पूरा नगर भ्रमण होगा और इस प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बने उसमें पूरे देशवासी के एक एक व्यक्ति एक एक घर से समर्पण सहयोग मंदिर में लगे, सबके प्रभु श्री राम के साथ एक आस्था जुड़े। वह केवल मंदिर ही न बने, वह राष्ट्र मंदिर बने, इसके लिए जन जागृति शोभा यात्रा के माध्यम से हम लोग आज किया जाएगा।